किंग्स का मैच जो कल 9 तारीख को खेला गया शाम को, ये खुशी जो जाहिर हो रही है, ये कैसे मैच के लिए जाहिर हो रही है दोस्तों, जहां पर शुरुआत में ही मैच खत्म होने पे आ गया था, मगर जो टाइम रेंज हमने बताई थी हमारे क्लाइंट्स को कि इस ड्यूरेशन में ऑड्स ऊपर आ जाएंगे, आप ले कर सकते हैं, यहाँ पे डरने की बात नहीं है, लोग ले करना बंद कर चुके थे, तो लॉस है पूरा, सीधा ही जीत जाएगी ऐसा रेंज। तो वहां पर हम आपको बताते हैं, वी कैन टेल व्हेन द ऑड्स विल कम हाई, हम आपको बता सकते हैं कि कब ऑड्स ऊपर आएंगे दोस्तों। ये केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारी रिसर्च बताती है कि कब ऑड्स ऊपर आएंगे और किस तरीके से ऑड्स ऊपर आएंगे, ये टाइमिंग आपको पता पड़ जाता है, तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट पे है, जहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हम इन्वेस्ट करके एग्जिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कल आपने देखा होगा कि शुरुआत में एसआरएस ने विकेट लूज किए थे, उसके बाद उसका ऊपर आना बहुत मुश्किल काम था, विकेट लूज किए पंजाब किंग्स ने और एसआरएच फेवरेट था। तो किस तरीके से हमने बताया कि एसआरएच गेम फ्रॉम 22 to 95, बिटवीन 945 से 1022, 945 से 1022 के बीच में एसआरएच 22 से 95 आ गया दोस्तों, एक तरह से 4 गुना तक आ गया। जिसने 100 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे वो 400 रुपये पर कर चला गया। तो ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, ये कैसे, ये यही टाइम कैसे, मैं आपको टैली करवा दूंगा, ये बात मैं आपको टैली करवा दूंगा इस तरीके से कैसे हुआ। तो ये आप हमारे से ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। ये खुशी ये जाहिर करती है कि हमारे क्लाइंट्स कितने खुश हैं, हैप्पी क्लाइंट्स हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट दी थी। तो चलते हैं हमारी स्क्रिप्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो स्क्रिप्ट दी थी, ये हमने ये दी थी, ये पूरा मैच डीएससी के हाथ में था, पूरा मैच डीएससी के हाथ में था। तो ये जो स्क्रिप्ट हमने दी थी, उसके अलावा हमने जो स्क्रिप्ट को अमेंड किया, और ये टाइमिंग में बता देता हूँ दोस्तों, ये हमने अमेंड किया और हमने लिख दिया 9:45 से 10:21 के बीच में एएससी ऊपर आएगा, ये हमने बीच में दिया। और ये टाइमिंग में आपको बता देता हूँ, 7:29 दिया था, 7:30 बजे मैच हुआ, एसआरएच डीएससी टू विन इन एंड, एसआरएच ऑन हाई ऑड्स और पीवीएस फेवरेट पे अपन को लेना है, ये हमने बता दिया था साथ में एलएसपी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, उससे पहले हम केकेआर पे भी अलर्ट किया था जब हमारा पिछला मैच चल रहा था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कह दिया है ये पूरा डीएससी मैच था। तो हमारे जो कमांड थे, जो मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये रन की थी स्क्रिप्ट। ये दोस्तों ये भी हम वीडियो में आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से हमारी स्क्रिप्ट रन की यहाँ पे, और इस तरीके से ये वहाँ से जो है आपको पूरा नॉलेज आपके पास आएगा कि इस तरीके से ये रन की है और कहाँ ये मैच कर सकती है। हम बता रहे हैं 9:45 से 10:22 के बीच में जो मैच है ये ऊपर आया था, और अब हम आपको वीडियो पर टैली करवाने वाले हैं। यहाँ पर हम जो हमने अपडेटेड स्क्रिप्ट दी थी वहाँ पर आप टैली के लिए देखते हैं। टैली कर सकते हैं ये, दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा डीएससी में चल रहा है ये मैच, और आपको बता दूं ये पूरा डीएससी है। अब आप देखिए जोन, देखिए आप यहाँ पे 9:45, ये देखिए 9:45, आप थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं इसको, 9:45 पे और देखिए आप कितने हैं, ये 19:20 है, और आप जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, देखिए ये आप 33, 34, 10:20 का वेट किए, थोड़ा 3-4 मिनट पहले छोड़ सकते हैं, देखेंगे ये कितना आ गया है यहाँ पे, देखिए आप 76, 90 पे आ गया दोस्तों, 90, 95, इतना ऑड्स इसने टच किया। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग है, उसके बाद हमारा अगर एसआरएच था तो हमने शिफ्ट करा लिया था एसआरएच में। हमारे जो अलर्ट थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो इनिंग अलर्ट जो आते हैं, हमने जो अलर्ट दिए थे मिडिल वेट, हमने कह दिया था कि 9:45 से 10:21 सपोर्ट एएससी है, एसआरएच 2022 है, यहाँ पर ले कर सकते हैं आप, और टिल 2021 तक वी मस्ट सी सम मिरेकल और स्टे ऑन डीएससी एसआरएच विन हाई। एसआरएच 53 का अपडेट दिया था हमने, जिसने बिग बैट किए, 6-7 पे भी लोगों ने लिया हुआ था,
तो लॉस भी एंड बिग ऑन एसआरएच भी, ये हमने ऑलरेडी दिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी बातें हम आपको बता सकते हैं, आप हमारे को फॉलो कीजिए, हमारा नंबर आपके पास है 6378169642। केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम पूरा एनालिसिस आप तक पहुंचा रहे हैं। आईपीएल बहुत सारा बाकी है, हमारी जो चार्जेस हैं बहुत नॉमिनल हैं, आपको सीखना भी हो, आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, आप हमें बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सही लगता है तो। थैंक यू वेरी मच।